कार्यक्रम था और आप क्या कौन सी यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आए हैं, कितनी संख्या में लेके आए हैं और क्या संदेश था? देखिए बंधु, आज जो है किसान मोर्चा भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। हम लोग, मुझे खुशी है कि द्वाबा की जनता ने आज वो श्रेय दिया है, आज संदेश दे दिया है कि सुरेंद्र सिंह के लंगोटी के सामने कोई झुकने वाला 513 ट्रैक्टरों के साथ यहाँ आकर के एक संदेश दिया। सर, देखा गया कि और भी सारे मंत्री जी लोग थे, विधायक थे, ये वो और मंत्री जो भी बंधु हमारे हैं, सब हमारे नेता हैं। मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं तो राजनीति मेरा तपस्या है, पार्टी का जो आदेश हो गया, कार्यकर्ता का आदेश जो हो गया, उसका सम्मान करना मेरा धर्म है, मैं उसका पालन किया हूँ। और मुझे खुशी है कि आज द्वाबा की जनता ने मुक्त प्रमाणित कर दिया कि सुरेंद्र सिंह के चरित्र के सामने कोई टिकने वाला चोर नहीं, कोई चोर नहीं। विधायक जी, जितने ट्रैक्टर आए थे 500 का बता रहे हैं, 513, क्या ये किसानों के थे? ट्रैक्टर किसी दूसरे का होता है। आपको मतलब किसान को मैसेज देने, क्या मैसेज देना है सरकार? किसान ट्रैक्टर हमेशा किसान का ही होता है, हर ट्रैक्टर पर 5-5 लोग बैठे हुए थे, तो मान लीजिए कि हमारे किसान थे या हमारे कार्यकर्ता थे, ये विषय नहीं होता, जो देहात में रहता है वो सब किसान। मतलब माना जाए बैरिया क्षेत्र के सारे किसान आपके पूरे सपोर्टर हैं और आपके साथ हैं? पूरे की तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन बैरिया में नौजवान किसान और व्यापारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी खुल करके मेरे साथ है, और अत्याचारी और भ्रष्टाचारी डर करके कम से कम अपने बिल में घुसा हुआ। किसी भी अत्याचारी भ्रष्टाचारी को आज तक संरक्षण नहीं दिया हूँ और बुलंद होकर के विरोध करता हूँ। कोई माफिया हो, गुंडा हो, मवाली हो, उसका जम करके विरोध करता हूँ। कार्यक्रम का संदेश क्या रहा विधायक जी? कार्यक्रम का करने का संदेश क्या है? कार्यक्रम का संदेश यह है कि किसान, जो किसान आंदोलन, किसान आंदोलन करके सब ये कर रहे हैं, तो ये एक जनता को संदेश दिया गया है, किसान हमारे साथ है, बेईमान तुम्हारे साथ, अखिलेश के साथ बेईमान है, हमारे साथ किसान है। सर, कांग्रेस के साथ बेईमान है, विपक्ष हमारे साथ किसान। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के डर से कृषि बिल वापस ली गई है। अच्छा ये बात है, ये जनता से डर करके कुछ भी ले लेना, ये राजा की महानता। क्या बात, हमारा राजा, हमारा मोदी महान है कि अपने जनता जनार्दन, अपने मतदाता के आदेश का पालन करके वापस ले लिया। अच्छा बुरा चिंतन क्या होता है, अच्छा था कि हमारे समस्या अच्छा था, हमारे जनार्दन की दृष्टि में खराब था, तो हमने मान लिया कि जब जनता ही जनार्दन है, उसी ने हमको बनाया है, और जब वही कह रहा है कि नहीं आप वापस ले लीजिए, वापस ले लिया गया। यही होता है श्रेष्ठ राजा का धर्म, प्रजा के भावना का आदर करके उसके पर निर्णय ले लेना, ये श्रेष्ठ राजा का धर्म है, और उस व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने इसका जो है प्रदर्शन किया है। अच्छा सर, एक सवाल और बताइएगा कि जैसे कि भाजपा की छवि को बताया था कि मुस्लिम विरोधी, पिछले दिनों देखा गया कि आप एक मुस्लिम लड़का जो इसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, और आपने रात में खुद स्वयं जाके उसके घर के लोगों की मदद करी। और सर, पत्रकार जी, मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, संघ में इंसान और इंसानियत की रक्षा करने का संस्कार दिया जाता है, और मुझे बढ़िया से संस्कार मिला है,